नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं रेलवे RPF की भर्ती के बारे में, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स रिक्रूटमेंट 2020 के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि 2018 वाली भर्ती आपने देखी ही थी RPF की जो वैकेंसी निकली थी। इस बार ये वैकेंसी जो आने वाली है, पिछली बार जो वैकेंसी निकली थी वो 9000 प्लस पदों पर ये वैकेंसी निकली थी, लेकिन अगर इस बार की बात करें 2020 के लिए तो ये भर्ती 19952 पदों पर आने की चर्चा में है। और ये भर्ती कब आएगी इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, सैलरी क्या होगी इसकी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आखिरकार PET में क्या क्या होता है, आपकी हाइट कितनी पूछी जाती है, सारी की सारी बातें इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा यार। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट होगी या रेलवे से रिलेटेड कोई भी अपडेट होती है, या फिर जो भी एग्ज़ाम जैसे SSC के एग्ज़ाम हुए, DRDO MTS का एग्ज़ाम हुआ, UP के जितने भी एग्ज़ाम हैं उनसे रिलेटेड कोई भी अपडेट होती है तो सबसे पहले हम इस चैनल पर आपके लिए लेकर आते हैं। आप सभी को बता दूँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो यार बिल्कुल ही ना भूलिएगा, और हाँ, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ। आप सभी को बता दूँ, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, 5 मिनट के अंदर, मात्र 5 मिनट के अंदर आपके कमेंट का आंसर दे दिया जाएगा। आपका कुछ भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, एज लिमिट से रिलेटेड क्वेश्चन हो, सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चन हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपका क्वेश्चन हो, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, 5 मिनट के अंदर आपके कमेंट का आंसर दे दिया जाएगा। चलिए, समय न गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पहुँचते हैं अपनी पहली स्लाइड पर। सबसे पहले देखते हैं डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर है नेम ऑफ द बोर्ड, यहाँ पर डिटेल्स दे रखी है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत ये आती है वैकेंसी। एग्ज़ाम नेम की बात करें तो RPF कॉन्स्टेबल एग्ज़ाम 2020 के लिए एग्ज़ाम होगा। लेवल ऑफ एग्ज़ाम क्या होता है, नेशनल लेवल होता है, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर ये वैकेंसी निकाली जाती है। और ये जो नौकरी लगती है आपकी, ये सेंटर के बेस पर लगती है, यानी कि सेंट्रल जॉब होती है ये, यानी स्टेट वाली नहीं है। अगर बात करें तो पोस्ट नेम की बात करें तो कॉन्स्टेबल के पदों पर ये वैकेंसी आने वाली है, जिसमें से 19952 पदों पर ये वैकेंसी आएगी आपकी कॉन्स्टेबल के पदों पर। इसके अलावा जो SI की वैकेंसी आएगी उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बता दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुल पद कितने हैं, तो 19952 कुल पदों की संख्या इसमें रखी गई है। अब बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हो गई, टाइप ऑफ जॉब सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, यह मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर देखिए, ये तो क्योंकि कोरोना की वजह से रहा ही नहीं, क्योंकि इसकी तो डेट यह गलत हो गई। एप्लीकेशन मोड क्या है इसका, ऑनलाइन है। यहाँ पर ये जो डेट थी वो 30/4/2020 तक हो सकती थी, उस टाइम पे इसके बारे में बोला जा रहा था, लेकिन अब ये नहीं होगी क्योंकि कोरोना की वजह से ये क्या हो गई, कट हो गई एक तरीके से। अब 6 महीने के कोरोना आया है, 4-5 महीने कोरोना ने ले लिए, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि आपकी वैकेंसी भी 4-5 महीने एक्स्ट्रा जानी चाहिए थी। यानी कि अब ये वैकेंसी कब आने के चांसेस है, तो आप सभी को बता दूँ, नवंबर या दिसंबर तक आने के इस वैकेंसी के 95% चांस हैं कि ये वैकेंसी आपको नवंबर दिसंबर में देखने को मिल जाएगी और आप अपना फॉर्म फिल कर पाएंगे। इसका जो एग्ज़ाम होगा फिर वो 2021 में जाके आपका एग्ज़ाम होगा, तो इसका जो नोटिफिकेशन भी होगा 2021 का ही नोटिफिकेशन माना जाएगा। तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स इंडियन रेलवे इज गोइंग टू बी रिलीज द RPF रिक्रूटमेंट 2020 नोटिफिकेशन फिल 19,952 कॉन्स्टेबल वैकेंसीज, और सून आफ्टर ये जल्दी ही आपके लिए रिलीज होने वाली है। आगे देखते हैं, तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF कॉन्स्टेबल वैकेंसी 2020, तो ये तो मैंने आपको डिटेल कंप्लीट बताई दी है, पोस्ट नेम और टोटल वैकेंसीज। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कॉन्स्टेबल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, इसके लिए आप अगर फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आप इसमें कैसे अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो इसकी जो नेशनलिटी है, यानी कि सबसे पहले कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए, ये तो जाहिर सी बात है, ये सभी होते हैं। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट के लिए यहाँ पर 18 से 25 ईयर एज लिमिट रखी गई है, और यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिलता है। अगर आपको क्वेश्चन है एज रिलैक्सेशन रिलेटेड, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको वहाँ पर आंसर स्पेशली आपका आंसर दे दूँगा। तो अगर एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 18 वर्ष होनी चाहिए, और मैक्सिमम एज आपकी 25 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि 18 से 25 की एज लिमिट इसमें मांगी जाती है। अब बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए, तो कैंडिडेट शुड हैव पास्ट 10th क्लास SSLC मैट्रिकुलेशन और एनी इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड टू अप्लाई फॉर RPF कॉन्स्टेबल रिक्रूटमेंट, यानी कि आपको 10th पास होना चाहिए या फिर SSC होना आपका चाहिए, या फिर इसी के इक्विवेलेंट कोई भी आपके पास किसी भी बोर्ड से है तो आप उससे भी लगा सकते हैं, जैसे SSLC होता है।
इसी तरीके से अगर बात करें दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर जो सैलरी स्ट्रक्चर रहता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। 5200 रुपये यहाँ पर गेट पे रोज सैलरी होती है और यहाँ पर 20200 रुपये पर हैंड सैलरी होती है, यानी कि पर मंथ ये सैलरी होती है और आपको हैंड सैलरी मानी जा सकती है। 20200 से आपकी स्टार्टिंग होगी और काफ़ी मतलब 2 या 3 साल बाद आपकी ये सैलरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है, डबल के करीब लगभग ये पहुँच जाती है। अगर बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की तो आपकी सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से रहती है तो उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। इसमें जो होता है वो रिटन एग्जामिनेशन और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, यानी कि रिटन एग्जामिनेशन होता है वो एक तरीके से CBT फॉर्मेट में होता है, यानी कि CBT का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका पेपर होगा और 120 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। 90 मिनट का आपको वक्त दिया जाता है, यानी समय मिलता है। अब कैसा कैसा पेपर होता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहली स्टेज इसके अंदर जो रखी जाती है वो रखी जाती है द फर्स्ट स्टेज ऑफ द आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम इज CBT, यानी कि आपका पेपर कैसा होगा CBT बेस्ड होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। नेक्स्ट स्लाइड पर नेक्स्ट पॉइंट होता है इसमें द ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम इज 21/2 आवर्स, यानी कि मैं सीधा सीधा बता दूँ आपको यहाँ पर 21 नहीं है, ये 2 mixed 1/2 आवर के करीब दे रखा है। तो इसका मतलब होता है 90 मिनट का आपको क्या मिलता है वक्त मिलता है, ये यहाँ पर इसको आप चेक ना करिएगा, मैं आपको बता देता हूँ सीधा 90 मिनट का आपको समय मिलता है। द क्वेश्चन आर आस्क्ड फ्रॉम अर्थमेटिक जनरल इंटेलिजेंस जनरल अवेयरनेस साइंस एंड रीजनिंग, यानी कि जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा जिसके अंदर आपका मैथ पूछा जाएगा अर्थमेटिक वाला, जनरल इंटेलिजेंस एंड अवेयरनेस GK GS पूछा जाएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। और तीसरा पार्ट होता है यहाँ पर रीजनिंग का पार्ट माना जाता है। टोटल मिलाकर अगर क्वेश्चंस की बात की जाए तो 120 क्वेश्चंस आपके रखे जाते हैं और इसके लिए 90 मिनट का आपको समय दिया जाता है। अब नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PET फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के बारे में बात करें तो द कैंडिडेट हु हैव क्लियर द CBT विल बी कॉल्ड फॉर PET, यानी कि PET या फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट या फिर फिजिकल एफिशिएंस टेस्ट को लिए आपको बुलाया जाता है अगर आप CBT को क्वालिफाई कर जाते हैं। अगर बात करें दी स्टेप्स आर क्वालिफाइंग नेचर, ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, इसमें आपका फाइनल मेरिट के लिए आपके कोई भी मार्क्स ऐड नहीं किए जाते हैं। इसके बाद जो पार्ट रहता है वो होता है बाइवा वॉश टेस्ट या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि आपके जो डॉक्यूमेंट हैं 10th क्लास की मार्कशीट है, 8th क्लास की मार्कशीट शायद कभी कभी मांग लेते हैं, या 12th क्लास की मार्कशीट है, आधार कार्ड है या फिर वोटर कार्ड है या फिर पैन कार्ड है, जो भी आप आइडेंटिटी के लिए यूज़ कर रहे हैं उसका यूज़ उसके बारे में आपसे पूछा जाता है और उनको दिखाने के लिए, यानी कि प्रमाणित वेरिफिकेशन आपकी होती है। इसके बाद अगर बात करें तो मेडिकल एग्जामिनेशन आपका रखा जाता है। मेडिकल एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ पर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल हैव टू अंडर द मेडिकल एग्जामिनेशन इन रेलवे हॉस्पिटल्स, आपका शॉर्टलिस्ट होते हैं अगर यानी कि फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के बाद भी आप फाइनल मेरिट में यहाँ पर शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बाद आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए रेलवे के हॉस्पिटल्स में बुलाया जाता है। यहाँ पर क्या होता है देखिए, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट की बात करें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट तो 1600 मीटर की दौड़ होती है 5 मिनट 45 सेकंड का, यहाँ पर कांस्टेबल मेल कैंडिडेट को यहाँ पर वक्त समय दिया जाता है, फीमेल कैंडिडेट के लिए अभी नो अवेलेबल है। यहाँ पर अगर देखें 800 मीटर की जो दौड़ होती है जिसमें कांस्टेबल के लिए मेल कैंडिडेट के लिए 3 मिनट 40 सेकंड का यहाँ पर वक्त मिलता है, और इसी तरीके से फीमेल यहाँ पर हाई जंप की बात करें 14 फीट की हाई जंप होती है मेल कैंडिडेट के लिए और 9 फीट की हाई जंप होती है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। अगर बात करें लॉन्ग जंप की बात करें तो 4 फीट की कांस्टेबल मेल कैंडिडेट के लिए, 3 फीट कांस्टेबल फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर लॉन्ग जंप रखी जाती है। अगर बात करें इसके अंदर हाइट की बात करें तो ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है हाइट क्या रहेगी, तो मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर यहाँ पर हाइट रखी जाती है, फीमेल कैंडिडेट के लिए बात करें तो 157 सेंटीमीटर इसके अंदर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट रखी जाती है। चेस्ट की बात करें तो अनएक्सपेंडेड यानी बिना फुलाए आपकी 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फुलाकर आपकी 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए, ये आपका यहाँ पर क्राइटेरिया रहता है। अगर बात करें SC ST कैंडिडेट्स के लिए तो यहाँ पर 160 सेंटीमीटर आपकी मेल कैंडिडेट के लिए हाइट रहती है, 152 सेंटीमीटर आपकी फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट रहती है, अनएक्सपेंडेड चेस्ट आपकी 76.2 सेंटीमीटर और एक्सपेंडेड जो चेस्ट होती है वो 81.2 सेंटीमीटर आपकी एक्सपेंडेड चेस्ट रखी जाती है। अगर बात करें तो इनके लिए गोरखा इनके लिए तो यहाँ पर एक रिलैक्सेशन टाइप में मिल जाता है, तो ये भी आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो दोस्तों इसमें जनरल कैटेगरी के लिए 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रखी जाती है, अदर कैंडिडेट के लिए बात करें तो 250 रुपये इसमें एप्लीकेशन फ़ीस रखी जाती है। जो एप्लीकेशन फ़ीस है आप उसका क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड या फिर ई नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप इसमें
अपनी एप्लीकेशन फ़ीस को भर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बात करें तो ये जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहता है इसमें 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के पूछे जाते हैं, जिसके अंदर जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, अर्थमेटिक के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, और इसी तरीके से टोटल मिला के अगर बात करें तो 120 क्वेश्चन दिए जाते हैं और 90 मिनट का आपको समय दिया जाता है। जो आपका पेपर होता है वो हिंदी में, इंग्लिश, उर्दू, तमिल, तेलुगु, कोंकणी, मलयालम और कन्नड़ा, इन सभी भाषाओं में आपका जो पेपर है वो रखा जाता है। तो मैंने एक भी आपका पॉइंट नहीं छोड़ा है, सारे के सारे पॉइंट्स पर आपको क्लियर कर दिया है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। और हाँ, कोई भी क्वेश्चन है, किसी भी प्रकार की कोई भी संशय है, कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा बिना किसी झिझक के, 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट्स का मतलब 5 मिनट ही होता है, 5 मिनट के अंदर आपके कमेंट का आंसर दे दिया जाएगा, ज़्यादा समय नहीं लिया जाएगा। यार फिर से बोलूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करना तो यार बिल्कुल ही ना भूलिएगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद जय भारत, टेक केयर, कीप वॉचिंग।